वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। दमोह जिले के बांधकपुर चौकी के समीप एक भीषण दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां अनियंत्रित बोलेरो कार पलट गई। बताया जा रहा है कि सागर से तीर्थयात्री बांधकपुर दर्शन करने के बाद मैहर की ओर रवाना हुए, तभी अचानक अनियंत्रित होकर बोलेरो कार पलट गई, जिसमें सवार करीब 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें से एक की दर्दनाक मौत हो गई। बाकी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस के द्वारा जहां पूरे मामले की जांच की जा रही है, वहीं घटना के संबंध में क्या कहना है घायलों का, यह भी हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? विशाखा। कहाँ की हो आप? पूर्णिया। क्या हो गया आज? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? बांधकपुर के यहाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग बांधकपुर दर्शन करने गए थे, वहाँ से लौट रहे थे, वही जा रहे थे। कहाँ के निवासी हो आप? पूर्णिया। कहाँ? पूर्णिया। ये कहाँ पे है? सागर। सागर से आ रहे हैं। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो पूरे हुए हैं, सबको होने चोटें आई हैं। किसी की मौत होने की खबर? नहीं, सीरियस है। बच्चे भी घायल हैं? हाँ, मुंडी चोट आई है, उसको मुंडी चोट है। हमें कुछ नहीं। क्या नाम बताया आपने? विशाखा।